गुड मॉर्निंग क्लास। आपके क्लास में एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट थी, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट किया था। आज क्वेश्चन सेकंड से स्टार्ट करना है इस एक्सरसाइज में। क्वेश्चन सेकंड इज गिवन, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन इन क्वेश्चन फर्स्ट अबव बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वेश्चन फर्स्ट में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उन्हें क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करना है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको कल जैसे मैंने बताया था, फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन 2x² - 7x + 3 = 0। ये है सबसे पहले जनरल फार्मूले से इसको कंपेयर करेंगे, ax² + bx + c = 0। यहाँ पे आप रिवर्ट कर दीजिए, कंपेयर विद। अब आप देखिए a की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -7 एंड c की वैल्यू 3। ये वैल्यू आ गई। अब क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करना है। फार्मूला क्या होता है, x = -b + -√b² - 4ac / 2a। x = -b की वैल्यू नेगेटिव है, ब्रैकेट में रखेंगे +√b² - 7² - 4a² × 3 बाई 2a। 2 × a वैल्यू है 2। x = +7 + -49 −4 × 8 = 24/4। नेक्स्ट लाइन से आंसर देखेंगे, x = 7 + √25/4। x = 7 + 25 का √5 = 5/4। x = 7 + 5/4 - 7 - 5/4 ये हो जाएगा 12/4 एंड 2 by 4। तो देखिए स्टूडेंट्स वैल्यू क्या आएगी, 4 × 3 = 200। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट था। इसी प्रोसेस से आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ करने हैं। करना क्या है, जनरल फार्मूले से कंपेयर करना है। इसका थर्ड पार्ट और देख लेते हैं। जनरल फार्मूले से कंपेयर करना है, एबीसी की वैल्यू फाइंड करनी है और एबीसी की वैल्यू क्वाड्रेटिक फार्मूले में आपको पुट कर देनी है और उसको सिंप्लीफाई कर लेना है। थर्ड पार्ट देख लीजिए इसका, थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट इज गिवन 4x² + √3x + 3 = 0। कंपेयर विद ax² + bx + c = 0। कंपेयर करेंगे, देखिए a की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर के साथ 4 है, 4 होगा। b की वैल्यू क्या है, 4√3, तो यहाँ क्या होगा, 4√3 होगा। और c की वैल्यू क्या है, 3। ये हमने a b c की वैल्यू फाइंड कर ली। अब आप देखिए फार्मूला अप्लाई करेंगे, x = -b + √b² - 4ac / 2a। क्लियर, अब वैल्यू रख देना है x = देखिए b की वैल्यू क्या है, 4√3 है, 4√3 कर दिया +√b² - 4√3² - 4ac। 4 a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 4, यहाँ 4 करेंगे और c की वैल्यू है 3/2 × a की वैल्यू क्या है 4। नेक्स्ट मोर लाइन 4√3 + - देखिएगा इस 4 का स्क्वायर होगा 16, ये हो गया 16 × इस का रूट हट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 16√3 माइनस 4 × 4 = 16 √3। तो देखिए ये कैंसिल हो गया, अपान क्या आ गया 8। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, तो 0 हो गया। x की वैल्यू हो जाएगी -4√3/8।
फोर वन या फोर फोर टू टू जेड वैल्यू क्या होगी माइनस थ्री बाई। ओके स्टूडेंट्स, ये वैल्यू जीरो हो गई थी, ये कैंसिल हो गए। तो करना क्या है, आपको दिया गया इक्वेशन नोट करना है, जनरल फार्मूले से कंपेयर करके एबीसी की वैल्यू फाइंड करनी है और उनको जन क्वाड्रेटिक फार्मूले में रख देना है और उसको सिंपली फाई कर लेना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड क्या है स्टूडेंट, क्वेश्चन थर्ड है फाइंड रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। अब जो इक्वेशन दी गई है क्वेश्चन थर्ड में, हमें उसके रूट फाइंड करना है। किस मेथड से फाइंड करना है, मेथड मेंशन नहीं किया गया है क्वेश्चन में, तो हम फ्री हैं किसी भी उसको मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन थ्री फर्स्ट पार्ट देखिए क्या है, x माइनस वन बाई एक्स इक्वल थ्री, सिंपल होगा तो आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्या किया, एलसीएम ले लिया, x हो गया, x का मल्टीप्लाई इस x में करेंगे, x स्क्वायर हो जाएगा माइनस वन इक्वल थ्री, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये डिवाइड में x इधर आएगा मल्टीप्लाई में 3x, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस वन इक्वल टू। अब देखें क्या फैक्टर से सॉल्व हो रहा है, 1 के x से फैक्टर जिनका सब्ट्रैक्शन 3 हो पॉसिबल नहीं, तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूले से इसको सॉल्व करेंगे। ओके, क्वाड्रेटिक फार्मूले से अगर फैक्टर हो रहे हैं तो आप फैक्टर से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसका सेकंड पार्ट, 1 बाई एक्स प्लस 4 माइनस 1 बाई एक्स माइनस 7 इक्वल 11 अपॉन 30। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिएगा क्या है, इसमें क्या है देखिएगा, सबसे पहले एलसीएम आएगा, x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस 7। ओके, x माइनस 7 का 1 में मल्टीप्लाई तो x माइनस 7, x प्लस 4 का माइनस 1 में मल्टीप्लाई तो माइनस x माइनस 4, ये x x कैंसिल हो गई वैल्यू इक्वल टू 11 अपॉन 30। आगे देखिएगा, अब ये दोनों वैल्यू सेम साइन की ऐड हो जाएंगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 11 अपॉन मल्टीप्लाई कीजिए क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x, एक्स का प्लस 4 में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 4x माइनस 4 7 28 इक्वल टू 11 बाई 30। इस 11 से 11 कैंसिल हो गया 1 टाइम्स, इसका 1 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये 7 निगेटिव 4 पॉजिटिव तो क्या हो जाएगा माइनस 3x माइनस 28 इक्वल टू 30 का माइनस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस हो जाएगा 30। ये वैल्यू क्या था, ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 प्लस 30 इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। 2 के ऐसे फैक्टर जिनका सम 3 हो, ये फैक्टर से सॉल्व हो जाएगा, आप इसको सिंपल फैक्टर से सॉल्व कर लेंगे, इसमें आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आगे देखिएगा, क्वेश्चन अब वर्ड प्रॉब्लम के स्टार्ट हो रहा है, देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन फोर, क्वेश्चन फोर क्या है, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रेहान सेज 3 years ago and 5 years from now is 1/3। तो यहाँ पे करेंगे क्या स्टूडेंट, क्वेश्चन फोर देखिए, लेट रहमान प्रेजेंट एज इज बी एक्स ईयर्स। अब यहाँ पे कह क्या रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है 3 years ago और ऐसे टोकल कह रहा है, तो 3 years आप ऐसे समझिए, देखिए और सुनो, 3 years ago x माइनस 3 होगा, 5 years later x प्लस 5 होगा, अब इनका रेसिप्रोकल क्या होगा 1 अपॉन x माइनस 3 1 अपॉन x प्लस 5, इनका सम क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इनका सम है 1/3।
अब आपको करना क्या है, एलसीएम लेना है और सॉल्व करना है x माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव, ये हो गया एलसीएम। x प्लस फाइव का मल्टीप्लाई आप वन में करोगे तो हो जाएगा x प्लस फाइव, प्लस x माइनस थ्री का मल्टीप्लाई वन में करोगे x माइनस थ्री इक्वल वन अपॉन थ्री। क्या कुछ कैंसिल हो रहा, नहीं कैंसिल हो रहा, टू एक्स प्लस टू अपॉन मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स का मल्टीप्लाई प्लस फाइव में फाइव एक्स, माइनस थ्री का मल्टीप्लाई जब एक्स में करेंगे माइनस थ्री एक्स होगा, माइनस प्लस का माइनस, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस थ्री, फाइव जब फिफ्टीन इक्वल वन बाई थ्री। टू एक्स प्लस टू अपान एक्स स्क्वायर, ये लाइक टर्म्स हैं ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस टू एक्स माइनस फिफ्टीन इक्वल वन बाई थ्री। अब आप देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इसका वन में करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस फिफ्टीन इक्वल, थ्री का मल्टीप्लाई करेंगे टू एक्स प्लस टू में तो टू थ्री या सिक्स एक्स प्लस सिक्स, ये वैल्यू इधर आएगी तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस फिफ्टीन माइनस सिक्स एक्स माइनस सिक्स इक्वल जीरो, ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर, ये दोनों वैल्यू माइनस फोर एक्स हो जाएगी और ये माइनस ट्वेंटी वन इक्वल जीरो। ट्वेंटी वन के ऐसे फैक्टर जिनका सब्ट्रैक्शन फोर हो, सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन, सेवन माइनस थ्री फोर, ये फैक्टर से सॉल्व हो जाएगा, इसमें आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ स्टूडेंट क्वेश्चन फोर तक कंप्लीट करेंगे, इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।